प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं बच्चे पढ़ाई के लिए कैसे बाहर निकले हुए हैं। कहीं ना कहीं सच्चाई है कि यहाँ पे सरकार जो है ना सही से काम नहीं कर रही है। अगर स्कूल जाती है? हाँ जाते हैं, बंद हो गया। किस क्लास में हो? आठवां में। आठवां में? हाँ। ये बताओ, बाथरूम जाने में, हाँ। खाना पीना खाने में, दुकान जाने में दिक्कत होता है? सुखाड़ घोषित हो गया। अभी देखिए पानी से घर डूब रहा है। मतलब सुखाड़ घोषित बाद कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। पानी से डूबा उसमें भी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। नीतीश सरकार सबसे गलती है उसका देंगे मैं खाली। बहुत वादा किया हम से अभी। नमस्कार, मैं हूँ आर्यन, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अभी हम मौजूद है मोहनपुर के गांव में, जो गांव डूबा हुआ पानी में। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पानी है और कितना ज्यादा दिक्कत होता है। यहाँ पे SDRF टीम का भी मौजूदगी नहीं है। एक बार घुरा करके दिखा दो कितना ज्यादा पानी है। एक बार घुरा के दिखाओ, चारों साइड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है। कितना बहुत सारा घर जो है वो जलमग्न हो चुका है। बाकी अंकल यहाँ बताएंगे क्या क्या सुविधा आपको चाहिए, क्या क्या नहीं मिल रहा सरकार से। यहाँ तो अभी कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, कोई देखने भी नहीं आया है। कोई देखने नहीं? इतना पानी में डेली घर से बाहर ऐसे निकलते हैं? और यहाँ पे गाय माल ये सब? गाय माल को बहुत टेंशन हो रहा है, चारा नहीं मिल रहा है, घर द्वार में पानी हो गया है, कहाँ से मिलेगा। अच्छा, कितना दिन से यहाँ पानी हुआ है? आज कम से कम 15 दिन से हुआ है। 15 दिन से घर मतलब डूबा हुआ है। अभी तक कोई देखने आया? कोई देखने नहीं आया है। तो आप लोग कैसे यहाँ रह रहे हैं? मतलब सही दिक्कत काट रहे हैं। खाना पीना कैसे बन रहा है? खाना पीना मतलब सूखा चूड़ा सत्तू खा रहे हैं। और महिलाएं सब? महिलाएं सब मिलकर के वही खाते हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे गरीब लोगों का घर है, घर में बाथरूम नहीं होगा, महिलाएं या फिर लड़की मतलब, बच्चा ये लोग कैसे कहाँ बाथरूम मतलब करता है? जहाँ सूखा है वहाँ, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर जाना पड़ता पानी में। पहले पहले पानी में टपिए, इसके बाद सूखा में जाइए, तब बाथरूम जाइए। बाथरूम जाइए, ऐसे नहीं? ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ से बिन रोज जाना पड़ता है। महिला लोग को लेटरिन जाना पड़ता है, बाथरूम तो है ही नहीं है, तो यहाँ से जाना। स्कूल का बच्चा लोग के लिए तो स्कूल पूरा बंद हो गया होगा? स्कूल में तो और कहानी खत्म है, उसमें माल जाल सब लोग जोड़ रहा है। स्कूल में माल जाल जोड़ रहा है? जोड़ रहा है। देख लीजिए बिहार का स्थिति है कि जो जब यहाँ बारिश आता है या फिर अब जो ग्लेशियर पिघलता है, जब बाढ़ आता है तो घर जो है ना पूरा जल में डूब के जलमग्न हो जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल में गाय माल को जोड़ा जाता है। और जो हमारा भागलपुर का जो ये हेलीपैड है, हेलीपैड पर पूरा तंबू लगा के लोग जितने भी गरीब लोग हैं वो लोग रह रहे हैं। जो थोड़े अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छे खासे वो रिश्तेदार कन चले जाते हैं। बाकी यहाँ का एरिया पूरा देख सकते हैं। बाकी महिलाएं भी खड़ी हैं, एक बार जूम करके दिखाओ उधर, एक बार जूम करके दिखाओ। महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, देख सकते हैं वो कैसे आएंगी बाहर। देखिए एक छोटी भी आई देख करके। क्या नाम हुआ तुम्हारा? रोनी कुमारी। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ। क्या नाम हुआ? रोनी कुमारी। इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। थोड़ा ज्यादा ही पानी आगे, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। रानी कुमारी। हाँ। क्या क्या तकलीफ होता है? क्या तकलीफ होता है? खाने को नहीं मिलता है, दीवार भी गिर गया, पानी ऐसा चारों बगल, क्या करेंगे हम सब? स्कूल जाती है? हाँ जाते है, बंद हो गया। किस क्लास में हो? आठवां में। आठवां में? हाँ। ये बताओ बाथरूम जाने में, खाना पीना खाने में, दुकान जाने में दिक्कत होता है? हाँ। सरकार से क्या मांगे? क्या मांगे? देगा सरकार जो लेंगे। कुछ नहीं देगा बिना मांगे? मांगेंगे क्या, मांगते हैं सब, देता है कौन? क्या क्या मांगे आज तक? शौचालय भी मांगे, बाथरूम सब कुछ भी नहीं दिया है, नल सब। नल भी नहीं दिया, शौचालय भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया? ये तो मुखिया जी का ना काम, वो तो खा जाते होंगे। हाँ। देख लीजिए लड़की जो बोल रही है कहीं ना कहीं सही बोल रही है। हाँ देख लीजिए उधर गली में भी आप देख सकते हैं बच्चे पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं, लेकिन 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 क्या है कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे सही से। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पानी में पूरा जलमग्न है। एक बच्ची इधर भी है, उसको भी दिखा दो। घर से यहाँ आने का कोशिश कर रही है लेकिन आ नहीं पा रही है। कारण ये है कि पानी पूरा भरा हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं घुटने भर पानी में है, रोड से बिल्कुल हम करीब खड़े हैं। एक बार उधर भी घुमा के दिखा दो कितना ज़्यादा बारिश पड़ा हुआ है। बाकी एक भैया आ रहे हैं, भैया को दिखाओ, एक बार दिखाओ। सरकार को देना चाहिए ना, देखिए घर डूब गया मेरा। आ जाइए इधर, आ जाइए भैया, इधर बोलिएगा तब समझ में आएगा। इधर इधर घूमिए ना, कैमरा इधर है ना। हाँ बोलिए। क्या क्या समस्या है? समस्या क्या हम लोग का, देखिए पहले सुखाड़ घोषित हो गया। हाँ। अभी देखिए पानी से घर डूब रहा है। मतलब सुखाड़ घोषित बाद कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। पानी से डूबा उसमें भी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। हाँ। गोराडी में 50 किलो खाली रखा है, वो कलाई रखा 50 किलो में कितना पूरा गाँव हो जाएगा। मार कर रहा है लेने, सरकार ने नहीं दे रहा है कुछ, नहीं खाने के लिए, नहीं कुछ। देखिए घर डूब गया, घर में पानी है अभी। अभी सरकार का जो मतलब गाइडलाइंस निकला हुआ है कि SDRF का टीम भेजे
देगा और बोलता है क्या कि खाने पीने का सामग्री देगा, अनाज देगा, तो कुछ नहीं दे रहा। ये सब नीतीश सरकार खाली पॉल्स कर रहा है। नीतीश सरकार सबका सबसे गलती है उसका देंगे मैं। खाली बहुत वादा किया हम सभी सुखार घोषित का सबको देंगे खाने के लिए, सबको किसी को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है ना? कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए शौचालय लोग कैसे जाते हैं? शौचालय लोग वैसे पानी में हेल के जा रहा है। हेल के जा रहा है। हाँ। बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं? बच्चे अभी बंद हो गया स्कूल जाने के लिए। अच्छा अच्छा, घर से बाहर बच्चे नहीं निकल पा रहा है। देख लीजिए बच्चे पढ़ने भी जाते हैं पानी में, मतलब देखिए हेल करके जाते हैं। एक बार सामने आके जूम करके दिखाओ बच्चे कैसे पानी में पढ़ने के लिए कैसे जाते हैं। ये स्थिति है बिहार का, ये स्थिति है बिहार का, आप देख सकते हैं कितना दिक्कत हो रहा है। ये स्थिति है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं बच्चे पढ़ाई के लिए कैसे बाहर निकले हुए हैं। कहीं ना कहीं सच्चाई है कि यहाँ पे सरकार जो है ना सही से काम नहीं कर रही है। अगर सही से काम करती तो इतना पानी जलमग्न हुआ, इनके लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता था, जो कि बिल्कुल नहीं है। आइए इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है छोटी? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पानी बहुत है। क्या नाम हुआ? अंकुजा कुमारी। अंकुजा कुमारी। हाँ। कहाँ जा रही हो अभी? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर बिंद्रा चौक। पढ़ाई के लिए जा रही है? हाँ। डेली इसी तरह जाती है पढ़ाई पानी में घुस के? हाँ। सरकार से कोई मांग है? रोड उड ऊंचा होना चाहिए ना, तब ना घर तक रोड जाएगा। हाँ। पानी में पूरा डूबा हुआ है। आगे हुए पानी में पूरा घर डूबा हुआ है। हाँ। किस क्लास में पढ़ती है? एट में। दो साल के बाद जो है ना बोर्ड का एग्जाम भी देगी। अगर इसी तरीका से अगर पानी में डूबा रहा तो कैसे एग्जाम देगी? नहीं दे पाएगी, दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप देख सकते हैं और भी लोग आ रहे हैं। अब ज़्यादा देर तक हम ज़्यादा लोगों को दिखाएंगे नहीं, बल्कि बाकी सरकार से यही मांग करते हैं कि इसमें रोड ऊंचा बनना चाहिए। सरकार को हम लोग को रोड ऊंचा बनना चाहिए ताकि लोग जो है ना घर जा पाए सही से। आप देख सकते हैं बहुत ही जर्जर स्थिति यहाँ पे, पूरा पानी से डूबा हुआ है। सरकार को देना चाहिए, मदद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कैसा लगा हमारा प्रयास, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।